हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 25 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेयर एक्ट के साथ लाइन बाय लाइन समझा। अपने अब तक के वीडियोस में हमने मेंटेनेंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, जो बेसिकली कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 24 और सेक्शन 25 बेसिकली मेंटेनेंस को लेकर के है, वहीं सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है, यानी हम सेक्शन 24 में टेम्पोररी मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस के कंसेप्ट को समझते हैं। कोर्ट अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है और वो पार्टी हस्बैंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकता है या कर सकती है, तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा करके मेंटेनेंस अमाउंट को डिसाइड करा सकता है अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट, और कोर्ट उस मेंटेनेंस अमाउंट को फिक्स कर देती है। तो ये जो मेंटेनेंस अमाउंट होता है, ये एप्लीकेबल तभी तक होता है जब तक प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। एंड वंस द प्रोसीडिंग्स गेट्स डिसाइडेड, तो इन मेंटेनेंस ऑर्डर की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, यानी मुकदमे के खर्चे को बियर करने के लिए जो एप्लीकेशन दिया जाता है इधर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ, वो दिया जाता है अंडर सेक्शन 24। उस इंटरिम मेंटेनेंस के अमाउंट को डिसाइड करते समय कोर्ट दोनों पार्टीज के इनकम को देखती है। वहीं दूसरी ओर सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात की जाती है, और कोर्ट परमानेंट एलिमनी के अमाउंट को डिसाइड करते समय दोनों पार्टीज यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टीज के इनकम के साथ साथ अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके वैल्यूएशन को भी कोर्ट कंसीडर करती है। बेसिकली परमानेंट एलिमनी का जो अमाउंट होगा वो हायर होता है देन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस डिसाइडेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ दिस एक्ट, राइट? क्योंकि यहां जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड करेगी अंडर सेक्शन 25 वो बेसिकली पेटिशनर के लाइफ टाइम तक के लिए होगा, जब तक पेटिशनर जीवित है या जब तक पेटिशनर दूसरी शादी नहीं कर लेता है तब तक उसे मेंटेन किया जाएगा और मेंटेनेंस की एप्लीकेबिलिटी बनी रहेगी। तो सेक्शन 25 में ना केवल पेटिशनर के मेंटेनेंस की बात होती है, उसके साथ साथ अगर वैलिड वेडलॉक से कोई बच्चा है तो उसके भी मेंटेनेंस के लिए कोर्ट अमाउंट डिसाइड कर देती है। तो सेक्शन 24 और 25 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल वे में अब तक के लेक्चर्स में समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 26 के बारे में, जो बेसिकली उस चाइल्ड के कस्टडी के बारे में बात करता है, हु इज द रिजल्ट ऑफ मैरिटल स्टेटस बिटवीन द पार्टीज, राइट? क्योंकि अब तक जो पार्टीज हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक साथ रहते थे तो ज्वाइंटली वो अपने चाइल्ड का केयर करते थे, लेकिन अब उनके बीच पहले की तरह रिलेशन नहीं है, लव एंड अफेक्शन नहीं है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो चाइल्ड की कस्टडी होगी वो किसी एक के पास ही रह सकती है। अब वो कस्टडी एक पॉइंट ऑफ टाइम में या तो मदर के पास होगी उस बच्चे की, या तो फादर के पास होगी,
तो सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बेसिकली माइनर के कस्टडी के लिए है। हालांकि लिखा केवल कस्टडी क्या है, लेकिन यहां पे कोर्ट उस चाइल्ड के केवल पोजीशन को डिसाइड नहीं करती है, बल्कि उसके मेंटेनेंस, उसके एजुकेशन और उसके वेलफेयर को भी देखती है। तो इन ब्रॉडर सेंस हम सेक्शन 26 को यह कह सकते हैं कि सेक्शन 26 होल्ड्स द प्रोविजन रिगार्डिंग कस्टडी, मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि माइनर चाइल्ड क्या है, क्योंकि सेक्शन 26 में माइनर चाइल्ड के ही कस्टडी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के जब हम सेक्शन 4 को पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज है, तो सेक्शन 4A ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट माइनर को डिफाइन करता है। मेरे पास कोई चौक नहीं है, इसलिए मैं चौक यूज नहीं करूंगा। अगर आप इस लेक्चर को केवल ध्यान से समझते हो, सुनते हो, तो सेक्शन 26 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे और ये कभी आपको भूलेगा नहीं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपके इस सेक्शन पर बन जाएगी। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस सेक्शन के कंप्लीट पॉइंट्स को डिस्क्लोज कर, राइट। तो सेक्शन 4A ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट माइनर को डिफाइन करता है, और माइनर मींस एनी चाइल्ड, वेदर बॉय और गर्ल, हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, जिसने 18 साल की आयु को प्राप्त नहीं किया है, वो माइनर है, वो अवयस्क। तो दैट चाइल्ड इज माइनर, वो खुद की केयर नहीं कर सकता है। तो उसके वेलफेयर को देखते हुए सेक्शन 26 में प्रोविजन किया गया है रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड, राइट। तो सेक्शन 26 में बेसिकली कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री, कोर्ट डिक्री पास करते समय, फिर चाहे कोर्ट किसी भी पिटीशन में डिक्री पास कर रही हो, चाहे सेक्शन 9 में कर रही हो या 10 में, 11 में या 13 में, यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तो कोर्ट डिक्री पास करते समय उसमें ये प्रोविजन डाल सकती है रिगार्डिंग मेंटेनेंस, कस्टडी, एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे की जो कस्टडी होगी वो किसके पास होगी, बच्चे के लिए मेंटेनेंस का अमाउंट क्या होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कोर्ट बच्चे के मेंटेनेंस के अमाउंट को डिसाइड करती है, तो वो तब तक के लिए होता है जब तक चाइल्ड मेजर ना हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में ऐसा होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्ट ऐसे ही मेंटेनेंस के ऑर्डर को पास करती है कि जो फादर होगा, इन केस अगर फादर के अगेंस्ट में मेंटेनेंस अमाउंट को डिसाइड किया गया है, तो फादर अपने उस चाइल्ड को तब तक मेंटेन करेगा, उसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस को तब तक बियर करेगा जब तक वो चाइल्ड माइनर से मेजर नहीं हो जाता, राइट। तो जब कभी भी कोर्ट माइनर के कस्टडी को डिसाइड करती है, तो बेसिकली चार फैक्टर्स को कोर्ट कंसीडर करती है। पहला, माइनर का वेलफेयर। दूसरा, उस माइनर का विश कि वो किसके पास रहना चाहता है, माता के पास या पिता के पास। पेरेंट्स के भी विशेष को कोर्ट कंसीडर करती है कि माता पिता क्या चाहते हैं कि बच्चा किसके पास रहे। एंड लास्ट है एज एंड जेंडर ऑफ द चाइल्ड। ऑर्डिनरी रूल क्या है, राइट। तो बेसिकली कोर्ट इन चार फैक्टर्स को कंसीडर करती है उस माइनर चाइल्ड के कस्टडी को डिसाइड करते समय।
इन चारों में से जो टॉप प्रायोरिटी कोर्ट का रहेगा वो रहेगा वेलफेयर ऑफ माइनर, यानी कोर्ट सबसे पहले उस माइनर चाइल्ड के वेलफेयर को देखेगी कि इसका मैक्सिमम वेलफेयर किसके पास हो सकता है, राइट। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इसे जब हमने पढ़ा तो इसका जो लास्ट सेक्शन है विच इज सेक्शन 13, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है माइनर चाइल्ड के वेलफेयर के ऊपर, जिसमें ये कहा गया है कि वेलफेयर ऑफ माइनर इज पैरामाउंट कंसिडरेशन, राइट। अब जैसे देखो कि कोर्ट इन चार फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए माइनर के कस्टडी को डिसाइड करती है, और जब कोर्ट उसके वेलफेयर को देखती है तो उसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि हस्बैंड या वाइफ में से कौन सबसे ज्यादा फाइनेंशियली एबल है, जो उस बच्चे के एजुकेशनल कॉस्ट को बियर कर सकता है, उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, बच्चा सबसे ज्यादा किसके साथ रहना पसंद करता है, किसके साथ रहने में ज्यादा कंफर्ट होगा, बच्चे का मोरल और सोशल अपलिफ्टमेंट किसके साथ रहने से ज्यादा बेहतर होगा, फादर या मदर में से जिसके पास कस्टडी दी जा रही है वो कैपेबल है या नहीं है, कहीं अनसाउंड माइंड के तो नहीं है पेरेंट्स, राइट। तो ओवरऑल कस्टडी को डिसाइड करते समय कोर्ट उस बच्चे के बारे में मैक्सिमम वेलफेयर किसके साथ ज्यादा रहने में होगा उस बच्चे का, उसे डिसाइड करती है। अभी हमने पढ़ा विशेस ऑफ पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स के भी विशेस को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगेन वेलफेयर ऑफ माइनर इज पैरामाउंट कंसिडरेशन, क्योंकि बच्चा इनोसेंट है वो तो चाहेगा कि दोनों के साथ रहा जाए, लेकिन अगर बच्चा 15 या 16 ईयर्स ऑफ एज का है, रैशनल थिंकिंग है उसकी, तो उसके विश के अकॉर्डिंग कोर्ट उसके कस्टडी को एज पर हिज और हर विश ग्रांट कर सकती। अब एज एंड जेंडर ऑफ चाइल्ड, इसके बारे में हम देखें तो सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली ऑर्डिनरी रूल क्या होगा एज पर द एज ऑफ चाइल्ड, कस्टडी किसे दी जाएगी, मदर को या फादर को, सेक्शन 6 में ऑर्डिनरी रूल लिखा गया है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, इन द केस ऑफ अ बॉय, किसी लड़के या अनमैरिड गर्ल के केस में उसका नेचुरल गार्जियन सबसे पहले पिता होगा और पिता के बाद मदर होगा। तो माइनर चाइल्ड अगर बॉय है और माइनर चाइल्ड अगर गर्ल है लेकिन वो अनमैरिड है तो नेचुरल गार्जियन कौन है, पिता है सबसे पहले, उसके बाद माता है। आगे कहता है, प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 5 years, तो कोई माइनर चाइल्ड, अब यहां पे बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकती है, जिसने 5 साल के एज को कंप्लीट नहीं किया है, तो उस केस में जो कस्टडी दी जाएगी वो मदर को दी जाएगी। तो यानी सेक्शन 26 में माइनर चाइल्ड के कस्टडी को डिसाइड करते समय कोर्ट इन ऑर्डिनरी रूल्स को देख सकती है। आगे कहा गया है, इन केस ऑफ इललेजिटिमेट बॉय और एन इललेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, इललेजिटिमेट बॉय यानी अधर्मज लड़का या अधर्मज अविवाहित लड़की, जो वैलिड मैरिज से उत्पन्न बच्चे नहीं है, उन केसेस में जो नेचुरल गार्जियन होगी वो मदर होगी और उसके बाद फादर होंगे,
यानी कस्टडी सबसे पहले मदर के पास दी जाएगी और मैरिड गर्ल के केस में हस्बैंड क्या होगा, नेचुरल गार्जियन होगा। यानी हमारे मतलब की जो बात है वो ये है कि अगर चाइल्ड 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है और वो चाइल्ड गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, कस्टडी उसकी मदर के पास होगी। ठीक है, अगेन वेलफेयर ऑफ माइनर इज पैरामाउंट कंसिडरेशन। इन जनरल रूल्स को कोर्ट जरूर देखेगी लेकिन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगा कोर्ट का वो उस माइनर के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए होगा। अगर किसी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट, अगर कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट के तहत पेंडिंग में है तो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर्स भी ग्रांट कर सकती है और उनमें चेंजेस भी ला सकती है एज पर द चेंज इन सर्कमस्टांसेस। राइट, अब अगर कोर्ट कस्टडी मदर के फेवर में दे देती है तो ऐसा नहीं है कि जो फादर है उसका जो कंप्लीट एक्सेस है उसके चाइल्ड से वो कंप्लीटली कोर्ट ने खत्म कर दिया। कोर्ट टाइम टू टाइम ये ऑर्डर कर सकती है मदर को कि वो मदर ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स जो भी कोर्ट डेट फिक्स करेगी उस डेट पर वो मदर उस चाइल्ड के साथ कोर्ट में हाजिर हो ताकि फादर को भी उस चाइल्ड का एक्सेस मिल सके। ठीक है, तो आइए अब हम, अब तक हमने जो भी पढ़ा सेक्शन 26 के बेसिक्स को हमने समझा, अब हम बात करेंगे बेयर एक्ट किस तरह से सेक्शन 26 के बारे में बात करता है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। तो बेयर एक्ट आप ओपन कर लीजिए, सेक्शन 26 क्या कहता है। इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत किसी भी प्रोसीडिंग्स में, फिर चाहे वो प्रोसीडिंग्स सेक्शन 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो या 13 का हो, द कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, कोर्ट समय समय पर पास सच इंटरिम ऑर्डर्स, कोर्ट कुछ इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकती है। इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब होता है टेम्पोररी ऑर्डर्स जो केवल कुछ समय के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। एंड मेक सच प्रोविजंस इन डिक्री, कोर्ट डिक्री में ये प्रावधान कर सकती है एज इट मे डीम जस्ट एंड प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू कस्टडी मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन कंसिस्टेंटली विद देयर विशेस वेयर एवर पॉसिबल। तो कहता है इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट समय समय पर इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकती है और कोर्ट की जो डिक्री होगी उसमें कोर्ट ये प्रोविजन ऐड कर सकती है जो प्रोविजन कंप्लीटली उस माइनर चाइल्ड के एजुकेशन, मेंटेनेंस और कस्टडी को लेकर के होगा। और जो भी प्रोविजन कोर्ट करेगी वो माइनर चाइल्ड के विश के अकॉर्डिंग होगा। एंड मे अल्टर, उस डिक्री में जो प्रोविजन किया गया है उसमें कोर्ट चेंजेस ला सकती है। द डिक्री अपॉन एप्लीकेशन बाय पिटीशन फॉर द पर्पस मेक फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल सच ऑर्डर्स एंड प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस कस्टडी एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज माइट हैव बीन मेड बाय सच डिक्री और इंटरिम ऑर्डर्स इन केस द प्रोसीडिंग्स फॉर ऑब्टेनिंग सच डिक्री। कोर्ट उन डिक्रीज में समय समय पर एज पर चेंज इन सर्कमस्टांसेस उन डिक्रीज में अल्टरेशन भी कर सकती है। जैसे हमने देखा था कि परमानेंट एलिमनी का जो अमाउंट है वो चेंज हो सकता है। जिस समय परमानेंट एलिमनी के अमाउंट को डिसाइड किया गया था, अगर वाइफ के फेवर में किया गया था उस समय जो हस्बैंड का इनकम था वो कुछ और था, उसका कोई प्रॉपर्टी था तो उसका एक सर्टेन वैल्यूएशन था, लेकिन अब हस्बैंड का जो इनकम है वो इंक्रीज हो चुका है तो परमानेंट एलिमनी में भी अल्टरेशन किया जा सकता है। राइट,
उसी तरह से अगर चेंज इन सर्कमस्टांसेस है तो कोर्ट ने डिक्री में जो भी प्रोविजन किया था चाइल्ड के मेंटेनेंस को लेकर के जो भी अमाउंट फिक्स किया था डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस उसे वैरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, और या इंटरिम ऑर्डर्स इन केस द प्रोसीडिंग्स फॉर ऑब्टेनिंग सच डिक्री वर स्टिल पेंडिंग एंड द कोर्ट मे ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम रिवोक सस्पेंड और वैरी एनी सच ऑर्डर्स एंड प्रोविजंस प्रीवियसली मेड. अगर जो प्रोसीडिंग्स है वो पेंडिंग है तो ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस कोर्ट उन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में जो भी प्रोविजंस किया है उसे कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, उसमें वेरिएशंस ला सकता है डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन सर्कमस्टांसेस. तो अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग में है तो जो भी प्रोविजन किया गया है रिगार्डिंग मेंटेनेंस, एजुकेशन, कस्टडी एंड वेलफेयर ऑफ माइनर उस प्रोविजन को कोर्ट सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है बिकॉज देयर इज पेंडेंसी ऑफ शूट, राइट. प्रोवाइडेड दैट आगे कहता है एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन पेंडिंग द प्रोसीडिंग्स फॉर ऑब्टेनिंग सच डिग्री shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice or the respondent. तो ये जो application होगा minor children के maintenance को लेकर के, उसके education को लेकर के, right? ये court जिस दिन respondent को notice serve किया जाएगा इसके बारे में उस दिन से 60 दिनों के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगी कोर्ट. आगे जब आप नोट्स में आओगे इसमें कहा गया है फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ चाइल्ड ऑफ 9 months, कोई बच्चा जो कि 9 महीने का है, मदर शुड बी अलाउड टू हैव द कस्टडी. जो कस्टडी होगा वो मदर के पास होगा इंस्टीड ऑफ द फादर. ये कहा गया था राहुल महेश्वरी वर्सेस रश्मि महेश्वरी के केस में. तो राहुल महेश्वरी वर्सेस रश्मि महेश्वरी के केस में कोर्ट ने कहा कि जो चाइल्ड है वो 9 months का है अगर, तो जो कस्टडी होगी वो मदर के पास होगी ना कि फादर के पास. क्योंकि यहां भी ऐसा नहीं है कि जो प्रायोरिटी है वो मदर है, यहां पे जो प्रायोरिटी है वो चिल्ड्रन है. और फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ दैट चाइल्ड हम फादर के विश को ओवरलुक कर दे रहे हैं. तो ये था सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसे इस लेक्चर में हमने डिटेल में समझा. इतना डिटेल में बेयर एक्ट को लाइन बाय लाइन समझाते हुए कोई वीडियो नहीं बनाएगा, राइट. तो अगर ये एफर्ट्स आपको रियल लगते हैं, आपको लगता है कि वाकई में मैं अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियोस देखो. इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में. तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो.